हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। बिसे वेरी वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आते ही आपके मन में एक डर सा आ जाता है, सर हम कैसे करेंगे? यार तुम ही हो जो तुम करोगे, तुम ही हो जो अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी तुम ही करोगे। हाँ, हम टीचर गूगल केमिस्ट्री की टीम आपके लिए इन चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से लाएंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। थोड़ा सा मैं अपने प्लान को डिस्कस कर लूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए प्यारे बच्चों आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना पड़ेगा। जितनी भी चीजें यहां पे बताई जाएं उसको नोट डाउन करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको पता है ना, हम लोग जितने भी टॉपिक के बाद बोर्ड के क्वेश्चन आए हैं वो करवाएंगे, उसके साथ साथ जिस टॉपिक से नीट और जेई में क्वेश्चन अराइज हुए हैं वो भी करवाएंगे। मतलब कुछ भी नहीं छूटेगा, आप कंप्लीट प्रिपरेशन यहीं से अपने कर सकते हो। तो पेन और कॉपी लेके रेडी हो जाना पूरे मन के साथ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम हम तूफानी तरीके से पढ़ेंगे और छोटे छोटे पॉइंट को मेंशन करेंगे, और यकीन मानो प्यारे बच्चों, वो तुम ही हो जो अपने सपनों को पा सकते हो, ठीक है ना? तो बिल्कुल अब चलते हैं, हम शुरू करते हैं। अगर बात करें प्यारे बच्चों क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसके पहले चैप्टर की, तो बेसिकली ये चैप्टर नंबर 10 है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी नोटबुक, जो आपकी बुक है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जिससे आप पढ़ते हैं उसमें ये चैप्टर नंबर 10th है। लेकिन अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो दिस चैप्टर इज फर्स्ट चैप्टर, ये पहला चैप्टर है। नाम इसका बड़ा खूबसूरत सा है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अच्छा भाई, सर पहले हमको ये बताइए कि ऑर्गेनिक के किसी भी चैप्टर को पढ़ने का क्या अप्रोच होना चाहिए? प्यारे बच्चों, मुझे लगता है अगर एक समझ डेवलप हो गई तो बहुत इजीली नंबर पा सकते हो, बहुत इजीली पढ़ सकते हो। तो वो समझ डेवलप करने का मैं 2 मिनट कोशिश करूंगा, देन हम लोग डायरेक्ट चैप्टर पे आएंगे और आपके अकॉर्डिंग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर का नाम है भाई हेलो एल्केन हेलो एरीन। तो अभी हम देख लेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन सबसे पहले मैं देख लूँ कि ऑर्गेनिक के किसी भी चैप्टर में क्या पढ़ना होता है, या बेसिकली इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों हमको पढ़ना है इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन। आप बोलोगे सर इंट्रोडक्शन में क्या होगा? इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि भाई ये हेलो एल्केन होते क्या है, हेलो एरीन होते क्या है, ठीक है, इनका यूज़ क्या है, इनका एप्लीकेशन क्या है, भाई आखिर क्यों ये हमारे चैप्टर में डाले गए। दूसरा हमारा क्या आता है भाई, दूसरा आता है हमारा क्लासिफिकेशन। किसी भी ऑर्गेनिक के चैप्टर में, इनफैक्ट इस चैप्टर में तो आपकी एनसीईआरटी के पैटर्न पे मैं एकदम आपको सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे आपको पता रहे पॉइंट टू पॉइंट अब हमको क्या पढ़ाया जाएगा। क्लासिफिकेशन में कई सारे बेसिस हैं, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन के बेसिस पे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हेलो एल्केन हेलो एरीन को कई भाग में डिवाइड किया गया। अब आप सोचोगे सर ये क्या बोल रहे हैं sp3 sp2, भाई आप सब्र करो, मैंने बोला ना 2 मिनट अभी आपको हो सकता ना समझ में आए, लेकिन उसके बाद पूरी ऑर्गेनिक आपको समझ में आएगी। क्लासिफिकेशन के बाद प्यारे बच्चों हर चैप्टर का हाल वही है, आपसे कहा जाएगा नोमेनक्लेचर। अब बेसिकली ये सारे टीचर छोड़ देते हैं ये बोलकर कि आप लोग क्लास 11th में पढ़ लिए होंगे, लेकिन फिर भी यू आर स्टूडेंट्स, आप गूगल केमिस्ट्री, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आपको ये बता दिया जाएगा। IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर आपको बताया जाएगा कि हेलो एल्केन की नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। उसके बाद भाई नंबर आता है प्रिपरेशन का, और अगर मैं कहूँ कि प्रिपरेशन ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ से क्या क्या आता है, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ, जहाँ से केमिकल रिएक्शन आती है, कैसे 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 वाली, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जहाँ से केमिकल रिएक्शन आएगी, व्हाट हैपन वाली, क्या होता है जब ये और ये रिएक्ट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप देखते हो डर जाते हो। नहीं, डरने वाली बात नहीं है। तो आप लोग पूछते हो सर ये कहाँ से आता है, भाई ये कहीं से नहीं, प्रिपरेशन से आता है। अच्छा, प्रिपरेशन के बाद क्या पढ़ना होता है? प्रिपरेशन के बाद हमको पढ़ना होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखो, बोर्ड लेवल पे तो फिजिकल प्रॉपर्टी से उतने क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन जेई और नीट में कॉन्सेप्ट की भरमार है तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और वहीं पर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा होगा प्यारे बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टी। अब भैया केमिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ना है? जैसे प्रिपरेशन में हम बहुत सारे रिएक्शन देखे कि कैसे कैसे हेलो एल्केन हेलो एरीन का प्रिपरेशन हुआ, किन किन कंपाउंड का यूज करके, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन की, कि ये किससे किस तरह से रिएक्शन करते हैं। इसका मतलब यहाँ से भी क्या सर इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। यहाँ से भी केमिकल रिएक्शन बनेंगे, यहाँ से केमिकल कन्वर्जन बनेंगे, यहाँ से व्हाट हैपन टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से हाउ टू ऑब्टेन टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि हम कैसे प्राप्त करेंगे हेलो एल्केन या हेलो एरीन का यूज करके। तो ऐसे क्वेश्चन से तुमको घबराना नहीं है, मेरे साथ चलो, मेरी गारंटी है ऑर्गेनिक एकदम उंगलियों पे आ जाएगी, बहुत आसान कर दूंगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी के बाद जो सबसे लास्ट में आता है यूजेज। अब केमिस्ट्री की भाषा में यूज थोड़ा मजा नहीं आता, तो इसी को कई बुक में एप्लीकेशन लिख कर दे देते हैं, या कई बुक में क्या किए हैं कि जो हेलो एल्केन हेलो एरीन जैसे हम पढ़ रहे हैं इसके कुछ कंपाउंड दे दिए हैं, जिसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, पॉली हैलोजन।
तो पॉली हेलोजन के बारे में भी इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। अच्छा सर, थोड़ा सा इलिब्रेटेड करेंगे क्या कि हमको क्या क्या पढ़ना है? बिल्कुल, फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की बहुत आसान है, सिमिलरली पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टी में किस किस टाइप की केमिकल रिएक्शन देते हैं, तो बेसिकली हेलोलकेन हमारा 3 टाइप का देता है। अगर मैं सब अभी बता दूंगा तो चैप्टर पढ़ोगे तो फिर आपको लगेगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रोडमैप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर को पढ़ने का, और इनफैक्ट ये NCERT के अकॉर्डिंग मैंने एक रोडमैप तैयार किया है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम पहले इस स्टेशन पर हैं, उसके बाद इस पर पहुँचेंगे, उसके बाद इस पर पहुँचेंगे। जब आपको चीज़ें पता रहती हैं तो आपको मज़ा भी आता है पढ़ने में। तो आइए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। आखिर ये हेलोलकेन हेलोरिन होता क्या है, क्यों इनका नाम पड़ा हेलोलकेन या हेलोरिन? तो सबसे पहले मैं इसको रफ करता हूँ, देन हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि हेलोलकेन का मतलब क्या होता है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोलकेन एंड हेलोरिन की, तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा भाई इसका मतलब क्या है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ हेलोलकेन, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, तो बहुत आसानी से आप देखेंगे इस चैप्टर का नाम क्या है, हेलोलकेन एंड हेलोरिन। तो बहुत आसानी से आप एक चीज़ देखिए, हेलो का मतलब क्या होता है भाई? हेलोजन ग्रुप सबने सुना होगा, ग्रुप नंबर 17 को हम हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। तो हेलो का मतलब होता है प्यारे बच्चों हेलोजन ग्रुप, जिसको हम कंबाइनली एक्स से दिखाते हैं। अच्छा, अब हेलोजन ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं सर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटीन। नहीं भाई, स्टेटीन तो एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, तो बेसिकली हम एक्स का मतलब इतना समझ सकते हैं, या तो फ्लोरीन की बात हो रही है, या तो क्लोरीन की बात हो रही है, या ब्रोमीन की, आयोडीन की। ये हमारा क्या है, ये हमारा हेलो ग्रुप है, ठीक है। तो हेलो का मतलब ये हो गया। अब सर ये एल का मतलब क्या होता है? देखो, चीजों को तोड़ दो, केमिस्ट्री में अगर कोई भी चीज समझनी है तो चीजों को तोड़ दो। एल का मतलब होता है प्यारे बच्चों कार्बन। एल का मतलब क्या होता है? एक हाइड्रोकार्बन, या ऐसे कह सकते हैं कार्बन, ठीक है ना। एल का मतलब क्या होता है? कार्बन। जैसे हम कहते नहीं, हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं एल्केन। एल्केन का मतलब एक कार्बन की चेन हो। अब उसमें कितना कार्बन हो, अगर एक हो तो मीथेन, दो हो तो इथेन, तीन हो तो प्रोपेन, हम ऐसे बोलते हैं ना। और एन का मतलब क्या होता है भैया? एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। एन का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों? सिंगल बॉन्ड। आप लोगों ने बचपन में IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा, तो IUPAC नोमेनक्लेचर में जहां एन लगता था बोलते थे सर यहां सिंगल बॉन्ड है, जहां इन लगता था बोलते थे यहां डबल बॉन्ड है, जहां आइन लगता था वहां बोलते थे ट्रिपल बॉन्ड है। तो जरा नाम को पढ़िए, यहां पे लिखा हेलोलकेन, इसका मतलब एक ऐसा कंपाउंड जहां पे हेलोजन हो, कार्बन हो, सॉरी यहाँ पे कार्बन की स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, हाँ ठीक है, जहाँ पे हेलोजन हो जो कि डायरेक्टली अटैच्ड हो कार्बन से, ठीक है, और कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, अगर एक हेलोजन उससे अटैच्ड है या एक से अधिक भी हेलोजन अटैच्ड हो सकता है, हेलोलकेन की कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो आप समझ जाना कि हेलोलकेन की बात हो रही है। तो बेसिकली अगर इस शब्दों का अर्थ हम देखें तो हेलो का मतलब हेलो ग्रुप, एल्केन का मतलब कोई कार्बन का स्केलेटन जो कि सिंगल बॉन्डेड हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा हमारा ये मीनिंग है जिसको हमने तोड़ के आपको प्रूव्ड किया, ठीक। इसी प्रकार अगर हम हेलोरिन की बात करें तो हेलो का मतलब फिर से वही होगा, क्या भाई? हेलोजन ग्रुप, और हेलोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और एरीन का मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग भाई। एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग, और एक एरोमेटिक रिंग के लिए सबसे बेहतर एग्जाम्पल क्लास 11th में आप पढ़ चुके होंगे, बेंजीन रिंग होगी। इसका फार्मूला C6H6 है, दिस इज बेंजीन। इसी को हम प्यार से कभी कभी ऐसे दिखा देते हैं AR, AR का मतलब एरोमेटिक रिंग या बेंजीन, ठीक है ना। अच्छा प्यारे बच्चों देखो, हेलो ये जो हमारा हेलोलकेन है, इसको अगर हम सिंपली बोलें तो ये RX से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? ये RX से डिनोट किया जाता है, और ये जो हमारा हेलोरिन है ये ARX से डिनोट किया जाता है। थोड़ा सा शब्दों पे फोकस करो, यहाँ पे भी हेलो वर्ड है, यहाँ पे भी हेलो वर्ड है। हेलो वर्ड का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि हेलो वर्ड का मतलब X, X का मतलब हेलोजन, चाहे फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन, स्टेटिन कुछ भी हो सकता है, ठीक है सर, ये हम समझ गए। अब एल्केन का मतलब R, अब एल्केन के मतलब तुम CH3 भी लिख सकते हो, C2H5 भी लिख सकते हो, C3H7 भी लिख सकते हो, मतलब कार्बन चेन बढ़ते चली जाएगी, बस कंडीशन ये है कि कार्बन सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, क्योंकि N वर्ड का मतलब ही यही है, ओके सर, ठीक है। तो हमने क्या बोला, RX इज द सिंपलेस्ट हेलोलकेन, या हम बोल सकते हैं कि ये हमारा सबसे सिंपल हेलोलकेन है। अब R के जगह तुम कुछ भी ले सकते हो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन वाली चेन। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ, तुम ऐसे लिखा है कहीं पे CH3X, तो ये हमारा क्या है,
ये हमारा एक्स मतलब हेलो और ये हमारा एल्केन है। एल्केन में ये एक कार्बन कंसिस्ट क्या है, मतलब ये मीथेन है, तो बेसिकली ये हेलो मीथेन है। लेकिन अगर जनरलाइज में हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे, इसे हेलो एल्केन, ठीक है। इसी तरह मान लो रिंग थोड़ी बड़ी हो गई भाई, C2H5X है, तो क्या ये हेलो एल्केन नहीं है, ये भी है। क्यों, हेलो ग्रुप है और हेलो ग्रुप कार्बन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है और इस कार्बन की बैलेंसी पूरी है। ये हमारा इथेन हो गया, ये मीथेन हो गया, इसी तरह प्रोपेन जुड़ेगा, तो जुड़े कुछ भी है तो एन ही, मतलब जनरली ये क्या है, एल्केन है। तो हेलो एल्केन क्या है, एक ऐसा हेलोजन ग्रुप जो कार्बन स्केलेटन से जुड़ा हो, ठीक है ना। हम बहुत सिंपली बोल सकते हैं एल्केन से जब कोई हमारा हेलोजन ग्रुप जुड़ जाए, ठीक है। अभी हमने ये नहीं बात की कि हेलो एल्केन आया कहाँ से, हेलोरिन आया कहाँ से, अभी मैंने बस ये आपको बताया कि आप पहचान लो। मार्केट में कहीं ARX दिखा है तो घबराना मत, ये हेलोरिन की बात हो रही है। क्योंकि जब तक आप चैप्टर का नाम जो है उसको नहीं समझोगे, तब तक मैं कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा दूँ मज़ा नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर कहीं मार्केट में ऐसे लिखा है C6H5X तो भी आप समझ जाना ये भी हेलोरिन है भाई। C6H5 क्या है, बेंजीन रिंग का फार्मूला C6H6 होता है, वहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन ऐड कर दे। अभी मैं सब बताऊंगा कि हेलो एल्केन इनफैक्ट होता क्या है, हेलोरिन होता क्या है, अभी तो बस ये बता रहा हूँ कि अगर आपको कहीं ऐसा सब सीन दिखे तो आप समझ जाना ये तो यार उसी की बात हो रही है जिस चैप्टर को हमको पढ़ना है। ये हेलोरिन है, ये हेलोरिन है, ये हेलोरिन है, ठीक है ना, और ये हमारे हेलो एल्केन है सब के सब, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी डिफिनेशन पे कि इनफैक्ट हेलो एल्केन है कहाँ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये डिराइव कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। तो हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कि डिफिनीशन क्या होगी हेलो एल्केन हेलो एरिन की, क्योंकि चैप्टर का नाम है तो थोड़ा सा एलिब्रेटेड करूँगा, तो डिफिनीशन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बहुत ईजी है। व्हेन एन हाइड्रोजन एटम, आप मेरे साथ लिखते चलिए, व्हेन एन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड फ्रॉम ए, व्हेन एन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड फ्रॉम ए एलिफेटिक आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देन It gives hello alkane and hello arene। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए, मैंने यहाँ पे बड़ी बेहतरीन डिफिनेशन लिखी है कि when an hydrogen atom is replaced from a aliphatic आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देन इट गिव्स हेलो एल्केन एंड हेलोरिन। ये कह रहे हैं कि जब किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस्ड कर दिया जाए, ठीक है ना, किसके द्वारा, हेलोजन के द्वारा। यहाँ पे मैंने हेलोजन तो लिखा ही नहीं, रुके, व्हेन एन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाई, मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, बाई हेलोजन फ्रॉम ए एलिफेटिक आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दिया जाए, जरूरी कि एक हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बेसिकली एक आपको बढ़ाया जाता है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन हेलोरिन। आप बोलोगे सर मैं नहीं मानूंगा, मैं बोलूँगी भाई मैं भैया प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब भाई एक चेन हो जो एरोमेटिक ना हो, और हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। तो CH4 जो है मीथेन, ये सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है और सबसे फेमस हाइड्रोकार्बन है। तो अगर हम CH4 को थोड़ा सा एलिवरेटेड फॉर्म में लिखें तो ये हमारा CH4 है। डिफिनीशन कहती है कि जब किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए, तो मान लीजिए ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए -CH किसके द्वारा, मैंने यहाँ क्या लिखा है, बाई हेलोजन, किसी हेलोजन द्वारा, एच यहाँ से निकला और एक हेलोजन यहाँ पे जुड़ा, तो इस एच की जगह पे ये हेलोजन आ जाएगा, तो बनेगा हमारा क्या भाई, बनेगा हमारा 1H 2H 3H और यहाँ X। इसी को अगर हम कंबाइनली लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, CH3X, और CH3X क्या है, हेलो एल्केन है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि भैया हेलो एल्केन क्या होता है, तो हम बहुत आसानी से समझा सकते हैं कि जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन किसी हेलोजन एटम द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, तो ऐसे में जो कंपाउंड बनता है वो हमारा क्या है, हेलो एल्केन। अरे भैया हेलो, हेलो का मतलब हेलो ग्रुप, एल्केन का मतलब ये कार्बन का स्केल्टन, तो जब कार्बन के स्केल्टन से कोई हेलोजन ग्रुप जुड़े तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। अच्छा सर,
क्या सर कोई और भी हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं? बिल्कुल भाई, आपका मन है, मैं यहाँ पे कुछ और ले ले रहा हूँ। चलो आपका मन है, आप बोलोगे सर जरा C2H6 भी एक हमारा हाइड्रोकार्बन इससे बताइए। ठीक है भाई, C2H6 में दो कार्बन लिख लो, 6 हाइड्रोजन लिख लो, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो और उसकी जगह पे एक हाइड्रोजन जोड़ दो। चलो मैं ये वाला हटा दे रहा हूँ। तो भैया इसको जब निकालोगे तो क्या बनेगा, दो कार्बन है, मैं इसको कंबाइनली C2 लिख दिया, 1 2 3 4 और 5 हाइड्रोजन C2H5 लिख दिया और एक हाइड्रोजन। ये क्या है, ये भी तो है एल्केन है भाई। वो कोई भी कार्बन की चेन जिससे जो सिंगली बॉन्डेड हो, एल्केन का मतलब सिंगली बॉन्डेड, और उससे कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो तो हम क्या बोलेंगे उसे, हम बोलेंगे उसे हेलो एल्केन। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, अगर कोई पूछे हेलो एल्केन क्या है, इट इज डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी हेलोजन एटम द्वारा, ठीक है, हो सकता है एक से ज्यादा भी कर दें, वो कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों हमारे पास CH4 है, हमने एक साथ दो दो हाइड्रोजन निकाल दिए और दो हेलोजन ऐड कर दिया, तो भाई यहां भी x, तो क्या ये हेलो एल्केन नहीं है? तब भी ये है, क्योंकि कार्बन का तब भी सिंगल बॉन्ड बन रहा है, बट यहां पे दो दो हेलोजन है, तो इसका जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो ये दूसरे टाइप का डाई हेलोजनेटेड कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन है तो ये भी हेलो एल्केन। अच्छा सर एक बात बताइए, अगर हम तीन हाइड्रोजन निकाल दें, तो तीन हाइड्रोजन निकाल देते हैं, 3H कर दें, यहां +3X कर दें, तो क्या ये हेलो एल्केन नहीं होगा? तो भी, तो क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा CH3, तो भी हेलो एल्केन है। और अगर हम चारों हाइड्रोजन निकाल दें, मैं आपको समझा रहा हूं जहां तक सोचा जा सकता है, आपके मन में कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे, अगर ये चारों हाइड्रोजन मैं निकाल दूं, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम, और यहां पे चार चार हेलोजन ला दूं तो हमारे क्या बनेंगे, CX4। तो क्या सर ये हेलो एल्केन नहीं? ये भी है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां पे भी हेलोजन है और कार्बन की चेन है, बस शर्त ये होनी चाहिए कि सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, तो सिंगल बॉन्डेड है। तो ये रहा हमारा ऑल अबाउट हेलो एल्केन। आई थिंक आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि हेलो एल्केन क्या है। एक बार लास्टली मैं आपको रिवाइज कर दूं, ठीक है ना, जब कोई हेलोजन ग्रुप, ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे तो क्या बनता है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या है, जहां पे भी देखिए हेलो एल्केन क्या है, जहां पे हमारा हेलोजन हो और वो जुड़ा हो एक कार्बन के स्केलेटन से जो कि सिंगली बॉन्डेड कनेक्टेड हो, ठीक है, एल्केन से जब हेलोजन कोई जुड़ जाए तो हेलो एल्केन है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, आप बोलोगे सर हेलोरीन क्या है? भैया यहाँ पे मैंने जो डिफिनेशन लिखा है, मैंने लिखा है व्हेन एन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड फ्रॉम ए एलिफेटिक आर एरोमेटिक। तो अभी तो हमने एलिफेटिक का दिखा है, अब मैं इसको रफ करके आपको एरोमेटिक का दिखा रहा हूँ। आपके मन में एक एरोमेटिक कंपाउंड का जब मैं नाम लेता हूँ तो वही खूबसूरत सी बेंजीन आती होगी कि सर हमने बेंजीन को देखा है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बिल्कुल सही बोल रहे हो भैया, बेंजीन हमारा ऐसे होता है ना, सबको पता है ये हमारा क्या है, ये हमारा बेंजीन है। ठीक है, तो ये हमारा बेंजीन है। अच्छा, आपको पता है कि नहीं कार्बन की बैलेंसी चार होती है, और अगर बेंजीन को थोड़ा सा हम ओपन करके लिखें तो यहाँ पे हर मोड़ पर क्या होता है, एक कार्बन होता है। तो आइए थोड़ा सा आपको ओपन करके दिखाया जाए, हो सकता है कुछ बच्चे ना जानते हों, ठीक है ना, क्योंकि बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H6, और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और यहाँ पे बोला भी गया है कि जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन क्या था, हाइड्रोजन और कार्बन हो, एरोमेटिक क्या, जहाँ रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो, बाकी एरोमेटिकसिटी की सारी कंडीशन तो आपने पढ़ ली होगी क्लास 11th में। तो ये हमारा बेंजीन का फार्मूला है C6H6। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो लिख दिए, अब 6 हाइड्रोजन भी जोड़ने हैं। इसका मतलब हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन हम क्या कर दें, हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिया। अब भाई कार्बन की बैलेंसिंग हमने बचपन में सुनी थी कितनी होती है, 4 होती है। यहाँ पे तो यार 1 2 3 है, तो हम अल्टरनेट पोजीशन पे क्या करेंगे, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाएंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये हमारा बेंजीन बन गया। अब ये क्या डेफिनेशन दे रहे हैं कि जब किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए हेलोजन द्वारा, या एक से अधिक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए। तो चलो भैया मान लो इनकी सामत आई है, इनको हमने निकाल दिया, इनकी जगह पे हेलोजन जोड़ दिया, तो हमारा जो चित्र बनेगा बेसिकली, देखो बेंजीन आपको एग्जाम में या बुक में ऐसे दी होगी, ये तो मैंने इसलिए समझा दिया कि बाई चांस आपको लगे कि सर ये क्या बता दी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो बेंजीन का ओपन स्ट्रक्चर ये होता है, ओपन इंडी मतलब कि थोड़ा एलिब्रेटेड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हम नहीं दिखाते, बेसिकली ऑर्गेनिक में कार्बन के बगल अगर वैलेंसी खाली है मतलब हाइड्रोजन है, हमने डायरेक्ट यहाँ पे एक हेलोजन दिखा दिया, यहाँ पे ऐसे दिखा दिया, इसका मतलब ये हमारा क्या है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, हेलो एरीन। हेलो का मतलब हेलोजन ग्रुप जुड़ा है भैया, एरीन का मतलब एक एरोमेटिक रिंग से, तो एरोमेटिक रिंग से हेलोजन ग्रुप जुड़ा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, हेलो एरीन। तो सर ये कैसे बना, जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दी जाए किसके द्वारा,
हेलोजन के द्वारा, तो हमारा क्या बनेगा, हेलोरीन बनेगा। अच्छा सर क्या जरूरी है यहाँ से भी एक हाइड्रोजन? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप दो हाइड्रोजन निकालो तो भी हेलोरीन बनेगा, आप तीन हाइड्रोजन निकालो तो भी हेलोरीन बनेगा, आप चार हाइड्रोजन निकालो, आप छः के छः हटा दो, छः के छः हाइड्रोजन अगर हटा दोगे तो क्या बनेगा, छः के छः पोजिशन पर हेलोजन ग्रुप जुड़ जाएगा तो भी हमारा हेलोरीन ही रहेगा। हाँ उसके नॉमनक्लेचर में डिफ्रेंसिएशन आएगा, उसके क्लासिफिकेशन में डिफ्रेंसिएशन आएगा, लेकिन जब हम बात करेंगे क्या, हम बात करेंगे क्या वो हेलोरीन रहेगा कि नहीं, तो वो हेलोरीन रहेगा। तो यहाँ से हमने दो डिफिनेशन क्लियर की, हेलो एल्केन क्या है, जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए हेलोजन द्वारा तो हेलो एल्केन बनता है, जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए हेलोजन द्वारा तो हमारा क्या बनेगा, हेलोरीन बनेगा। तो चैप्टर का नाम इनफैक्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लिए यहाँ पे और मैंने आपको ये समझाने की पूरी कोशिश की कि इंट्रोडक्शन क्या है, हेलो एल्केन क्या है, हेलोरीन क्या है। थोड़ा सा हम बात कर लें कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा हम बात कर लें कि इसका यूज कहां कहां होता है, क्योंकि आपको पता है ना ये जो हमारा चैप्टर है, किसी भी चैप्टर, इनफैक्ट यही नहीं, किसी भी चैप्टर को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके एप्लीकेशन को जानना जरूरी है कि हेलो एल्केन हेलोरीन हमको क्यों पढ़ाई जा रही है भैया, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानोगे हम कोई चीज क्यों पढ़ रहे हैं तब तक कोई मजा नहीं है। तो इसका प्रयोग मेडिसिनल तरीके से होता है, तो सबसे पहले हम इसको रफ करते हैं फिर हम बताते हैं कि मेडिसिनल तरीके से इस हेलो एल्केन और हेलोरीन का यूज कहां होता है, या जो हमारे हेलोजन के कंपाउंड हैं उनका यूज केमिस्ट्री में या बेसिकली बायोलॉजिकल लेवल पे कहां तक होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों अगर हम बात करें कि किसी भी चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है या इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या यूज़ है, तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके आई टी जेई और नीट में। तो सबसे पहले तो ये हमारे हेलोजन के कुछ कंपाउंड हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बेसिकली हमारे हेलो एल्केन हेलोरीन के अंदर ही आएंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इस चैप्टर में हमको क्यों ये चीज़ें पढ़नी है। तो एक हमारा कंपाउंड है जो कि जिसका नाम है क्लोरम फेनिकॉल, क्लोरम फेनिकॉल हमारा एक क्लोरीन का कंपाउंड है जिसका यूज़ हम टाइफाइड फेवर के ट्रीटमेंट में करते हैं, ठीक है ना, आपको पता होगा टाइफाइड हमारा जो फेवर है, फीवर है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, तो उसके ट्रीटमेंट में हमारी एक दवा यूज होती है जिसको हम कहते हैं क्लोरम फेनिकॉल, और ये कुछ और नहीं इनफैक्ट ये हेलो एल्केन का ही एक कंपाउंड होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं ये एक हेलोजिनेटेड कंपाउंड होता है। ठीक उसी प्रकार आपको पता है कि हमारे बॉडी में आयोडीन कंटेनिंग, ठीक है, हार्मोन सिक्रीट होता है, उस हार्मोन का नाम क्या है भाई, उस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन, और थायरॉक्सिन हार्मोन की अगर कमी होती है, ठीक है, आपको बताया कि हमारे जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसमें आयोडीन कंटेन होता है, तो आयोडीन हमारा क्या है भैया, यहाँ पे आयोडीन कंटेन है, यहाँ पे क्लोरीन कंटेन है, ये हेलोजन ही तो है, तो हेलोजन का ही तो कंपाउंड है, तो आयोडीन कंटेनिंग ये जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन है अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो आप देखते होंगे बहुत सारे इंसान के यहाँ पे गले पे थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाती है, थोड़ा सा क्या ज़्यादा सा, जिसको हम लोग गोइटर कहते हैं, कुछ लोग गोटर कहते हैं, जो भी आप कहो, तो गोइटर एक डिजीज़ है जहाँ पे गले का ये पोर्शन जो है थायराइड ग्लैंड हमारा बहुत स्वेल कर जाता है, तो ये चीजें हो जाती हैं किसकी डिफिशियंसी से, थायरॉक्सिन हार्मोन की डिफिशियंसी से, और थायरॉक्सिन हार्मोन में इनफैक्ट आयोडीन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर आयोडीन की कमी होती है लोग कहते हैं ना तो क्या हो जाता है गोइटर, जिसको हिंदी में कहते हैं कि घेघा ऐसे कुछ कहते हैं, ठीक है ना, तो ये चीज है। तो यहाँ पे क्लोरीन का यूज हुआ है क्लोरम फेनिकॉल में, आयोडीन का यूज हुआ है थायरॉक्सिन में, इनफैक्ट ये तो नेचुरल फेनोमेना है, और एक बहुत ही फेमस दवा है, मेडिसिन है, जिसका नाम है क्लोराक्विन, क्लोराक्विन का प्रयोग वाइड लेवल पे हो रहा है मलेरिया के उपचार में, मलेरिया जो हमारी एक आपको पता है बहुत खतरनाक डिजीज थी एक टाइम पे, तो इसका कोई इलाज ही नहीं था, तो मलेरिया डिजीज के ट्रीटमेंट में क्लोराक्विन का यूज होता है, और क्लोरो वर्ड आ गया मतलब यहां पे क्लोरीन के किसी कंपाउंड का यूज हो रहा है। ठीक इसी प्रकार यहां पे कंबाइनली एक और कंपाउंड का नाम लिखा गया है हेलोथेन्स, तो हेलोथेन्स भी एक कंपाउंड का ग्रुप है जिसका प्रयोग हम लोग सर्जरी में करते हैं, ठीक है ना, जो भी हमारी सर्जरी होती है तो वहाँ पे हम हेलोथेन्स का प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो हेलो एल्केन हेलोरीन चैप्टर पढ़ रहे हो इसका क्या यूज़ है। तो आपको चार पॉइंट ज़रूर याद करने हैं क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन को निचोड़कर, एक एक क्वेश्चन को निचोड़कर हम पढ़ेंगे, आईटीजे और नीट के कोई भी क्वेश्चन हमसे बचने नहीं चाहिए। तो सबसे पहले क्लोरम फेनिकॉल जो कि हमारा क्लोरीन का एक कंपाउंड है जिसका यूज़ टाइफाइड में करते हैं, फीवर में, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि आयोडीन कंटेनिंग होता है गोइटर से मतलब बचने के लिए, क्लोराक्विन जिसका यूज मलेरिया में होता है, हेलोथेन जिसका यूज सर्जरी में होता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये था ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलोरीन। एक चीज थोड़ी सी मुझे लगता है मैं छोड़ दिया हूँ, ठीक है, वो भी मैं डिस्कस कर दूँ कि ये जो हमारा हेलो एल्केन है, मैं दूसरे कलर का मार्कर यूज कर ले रहा हूँ अगर ये आपको नहीं दिख रहा है,
ठीक है, जो हमारा हेलो एल्केन है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको लिखना चाहूँगा। तो हेलो एल्केन के लिए हमने क्या लिखा, ऐसे लिखा था भाई कि ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट हेलो एल्केन है, या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि सी एस थ्री एक्स इज द सिंपलेस्ट हेलो एल्केन। बेसिकली तो हमने इसको आर एक्स से डिनोट किया ही था, और हेलोरिन को हमने डिनोट किया था ए आर एक्स से, और सबसे सिंपलेस्ट हेलोरिन हमारी यही है कि जब किसी बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन जोड़ दें। ठीक है सर, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ले रहा हूँ, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, अगर ये ना पढ़े तो इंट्रोडक्शन अधूरा होगा। यहाँ पे कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है। दूसरी चीज़, अगर हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करें तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, तो दोनों तरीके से हम यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हैं कि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कौन? हेलो एल्केन वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। इसका मतलब हेलो एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है। चाहे हम यहाँ पे चार सिग्मा बॉन्ड देख लें, चाहे हम देख लें कि अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड होता है तो हमारा क्या होता है, sp3 होता है। अब यहाँ पे ये जो कार्बन है बेचारा, ये एक डबल बॉन्ड बनाया है। एक डबल बॉन्ड बनने का मतलब एक पाई बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड के आते ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है। अच्छा सर, मुझे ऐसे नहीं समझ में आया, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिन लो भाई। एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2 होता है। तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि हेलो एल्केन sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंसिस्ट करता है, और हेलोरिन sp2। तो ये रहा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जेईई और नीट में पूछे गए हैं। कैसे सर, मैं समझ नहीं पाया, बोर्ड में एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, एलाइलिक पोजीशन, बेंजाइलिक पोजीशन, विनाइलिक पोजीशन, ये सब क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हेलो एल्केन, ये सब क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये सब क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये पहला लेक्चर था ऑर्गेनिक का। अगर किसी भी बच्चे को कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जवाब आपको मिलेगा, और गूगल केमिस्ट्री लगातार आपके सपनों को सपोर्ट करेगा। थैंक यू सो मच।